हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर, सभी को का नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अगर बात की जाए कट ऑफ की, क्योंकि हम लोग आज यहाँ पे कट ऑफ को लेके ही बात करने वाले हैं, तो बात की जाए कट ऑफ की, तो एनटीए हमेशा प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड देखती है और उसके बाद इस पर नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने मौजूद हुए हैं इसको भी एनालिसिस करती है। तो प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में हम लोग जानते हैं कि 2.5 लाख का स्टूडेंट इस बार ज़्यादा बैठे हैं। तो 2.5 लाख का स्टूडेंट ज़्यादा बैठे हैं तो कंपटीशन तो और तगड़ा हो गया। लेकिन 2.5 लाख का स्टूडेंट के बाद 6000 सीट बढ़ा भी है हम लोगों के कॉलेज में। जैसे कि अगर पूरे इंडिया के कॉलेजेस में बात करें तो 6000 सीट बढ़ा भी है, क्योंकि कुछ जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो बने हैं, तो बनने के आधार पर सीट भी बढ़ेगा बिल्कुल। और जिस तरीके से कोविड के टाइम में हमने देखा कि डॉक्टर्स लोगों की कितनी कमी पड़ी थी और उनसे रिलेटेड जो भी कल फैसिलिटीज़ से रिलेटेड और मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे स्टाफ की जितनी कमी पड़ी थी, इसको लेके गवर्नमेंट के द्वारा एक ये भी चीज़ देखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेडिकल के एस्पायरेंट्स हैं, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बार ट्रेन करके निकाला जाए, ताकि आगे ऐसे भी कोई हालात हो तो इस हालात में लड़ने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहें। तो इसको लेके मैं आज वीडियो लेके आया हूँ। आखिर प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड पे एनटीए इस बार क्या कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रही है। तो कट ऑफ का प्रिडक्शन हम लोग बात करें तो इस बार का जनरल का जो कट ऑफ है बहुत ही कम जाने वाला है। बिल्कुल आप इस बात के लिए खुश हो जाइए कि अगर जो सोच रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है या 150, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा हुई थी तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा तो कट ऑफ ही ज़्यादा आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कितने डाटा में तो ये भी बताया गया है बहुत ऐसे वीडियोस में कि 400 मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यानी 12 लाख स्टूडेंट 400 मार्क्स से कम लेकर यानी अंडर 400 तक ही हैं। तो जब 12 लाख स्टूडेंट अंडर 400 तक है तो बिल्कुल आपको ये समझ जाना चाहिए कि अगर जो स्टूडेंट और हायर मार्क्स लेके आ रहे हैं, यानी 500-600 लेके आ रहे हैं या फिर 400 जब इतने लेके आ रहे हैं, तो इस बार का लेवल क्या होगा काउंसलिंग का और इस बार का लेवल क्या होगा किस तरीके से स्टूडेंट को ऑक्यूपाई करने का। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने बात को आगे लेके चलते हैं, यानी जो हम लोग मेन मुद्दे पे बात करें कि हम लोग का इस बार का कट ऑफ क्या जाएगा। तो इस बार का जनरल का कट ऑफ जो है प्रीवियस ईयर की रिकॉर्डिंग एनटीए के द्वारा ये डाटा जो है दिया जा रहा है और बहुत सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं ये डाटा को एनालाइज कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये डाटा है आपका कि 720 to 138, यानी हम लोग बात करें कि 138 यानी 140 से भी कम पे आपका जनरल का कट ऑफ इस बार निकलने वाला है। तो 140 जगह में यानी 138 अगर आप मार्क्स लेके आते हो आप नीट पास कर जाओगे, यानी आप नीट क्वालिफाई कर जाओगे। अब आई बारी की, सर ये जनरल की बात थी तो फिर एसटी एससी और ओबीसी का क्या है? ओबीसी एसटी और एससी के कैंडिडेट का जो आपका कट ऑफ आने वाला है 137 से 108 तक, यानी 137 से 108 तक आपका कट ऑफ जो है ये तीनों का आ जाएगा। अब बात आता है कि सर फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं उनका कट ऑफ क्या आएगा, चाहे जनरल कैटेगरी के हों या एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के हों। तो अगर हम लोग बात करें जनरल कैटेगरी के फिजिकल हैंडीकैप के बारे में तो 137 से 122 तक इनका कट ऑफ गिरेगा, और अगर बात करें ओबीसी एसटी एससी के हैंडीकैप स्टूडेंट के बारे में तो इनका कट ऑफ जो जाने वाला है 121 से लेके 108 तक इनका कट ऑफ जाएगा। तो ये थी कट ऑफ की बात। अगर हम लोग बात करें कि सर परसेंटाइल क्या गिरने वाला है या परसेंटाइल क्या आने वाला है, तो हम लोग बात करते हैं कि जनरल का परसेंटाइल जो है वो 50% जाएगा और एसटी एससी ओबीसी का परसेंटाइल जो है वो 40% जाएगा। इसी में हैंडीकैप 45% चाहिए, सब लेके जो जनरल के हैंडीकैप हो जाएंगे वो 45% और जो अदर हो जाएंगे इसी तरीके से, यानी 50 to 40% के बीच में आपको सब कैंडिडेट को उठाया जाएगा और उनका काउंसलिंग किया जाएगा। अगर जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर मुझे एडमिशंस कैसे होने हैं, मैं स्टेट वाइज एडमिशन लेना चाहता हूँ या इस स्टेट के हैं कुछ अदर स्टेट में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो हम लोग जानते हैं बेहतरीन तरीके से कि दो कोटा होता है। एक होता है ऑल इंडिया कोटा, जो कि ऑल इंडिया में किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उनको एज पर द रूल ऑफ ऑल इंडिया कोटा के तहत क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जो स्टेट से बिलोंग करते हैं और उनका चाहते कि मैं इसी स्टेट में रह के मेडिकल की पढ़ाई करूँ और अपने स्टेट को सर्व करूँ, तो उनके लिए भी स्टेट के अकॉर्डिंग उनका कट ऑफ निकलता है। तो अपने कट ऑफ को ऑब्जर्व करते रहेंगे, यानी अपना आंख गड़ाए रहेंगे और अपने कट ऑफ को ध्यान में रखे रहेंगे कि उनको AIQ के तहत जाना है, यानी ऑल इंडिया कोटा के तहत जाना है और या फिर स्टेट कोटा के तहत जाना है। ऑल इंडिया कोटा में जो भी प्रवेश कर सकते हैं वो टोटल 15% ही स्टूडेंट प्रवेश कर सकते हैं और स्टेट कोटा में 85% स्टूडेंट जो है वह एडमिशन ले सकते हैं।
किसी भी जगह का, यानी अगर एक स्टेट में 100 सीट है तो 15 सीट ऑल इंडिया कोटा के लिए रख दिया जाता है और 85 सीट जो होता है उसी स्टेट के स्टूडेंट के लिए रख दिया जाता है। कुछ स्टूडेंट इसके एक्सेप्शन में है, मैंने ये भी वीडियो बना दिया है और इसके प्रीवियस वाले वीडियो में आपको ये मिल जाएगा कंप्लीट डिटेल कि स्टेट कोटा वर्सेज ऑल इंडिया कोटा में क्या डिफरेंसेज है, इसका वीडियो मेरा आ चुका है। तो मैं ये वीडियो इसके बारे में और ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा यहाँ पे। अगर जिनको भी प्रॉब्लम है तो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। हम लोग बात करेंगे इस बार का सीट कैसे कैसे क्या है। सर MBBS का सीट क्या है, BDS का सीट क्या है, आयुष के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद BSc नर्सिंग और वेटनरी के अकॉर्डिंग कितने सीट्स आ जाएंगे। तो अगर बात करें MBBS सीट के लिए तो हमारे इंडिया में टोटल MBBS सीट पे जो इस बार कैंडिडेट फिल करने वाले हैं यानी कैंडिडेट एडजस्ट होने वाले हैं वो टोटल सीटें हैं 90,825। ये टोटल सीट जो है MBBS के लिए है। BDS के बारे में बात करूं 27,948 यानी 27,948 सीट BDS के लिए है। जो स्टूडेंट BDS के बारे में सोच रहे हैं वो इस पे फिल कर सकते हैं और ऑक्यूपाई कर सकते हैं। बहुत सारे पूरे इंडिया में जितने भी कॉलेज हैं इतना सीट इसमें मौजूद है। आयुष के अकॉर्डिंग बात करें कि अगर आयुष में कितने लोग भर सकते हैं तो आयुष के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि आयुष क्या स्टैंड करता है। वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, जितने भी आ जाएंगे इसी कैटेगरी के अंदर रहते हैं आयुष के अंदर, जिसका सीट है टोटल 52,720 यानी 52,720 सीट जो है वो आयुष के लिए है। एंड लास्टली अगर हम बात करें कि CSC जिसको हम लोग बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज और BSc नर्सिंग बात करते हैं तो इसके लिए कितने सीट है हमारे टोटल इंडिया में, तो इसके लिए 603 यानी अप्रॉक्स 600 सीट जो है ये इसके लिए है। ये तो हो गई टोटल सीट के बारे में। अब बात आती है कि सर एम्स और जिपमर, ये भी दो कैटेगराइजेशन होता है जो हमारे ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है। तो सर एम्स में कितने सीट है और जिपमर में कितने सीट है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एम्स के टोटल 15 कॉलेज है और जिपमर के दो कॉलेज है, जिसमें 15 कॉलेजेस में एम्स के लिए MBBS के लिए जो सीट होता है 1205 यानी 1205, जबकि दो जिपमर जो कॉलेज है उनमें 200 स्टूडेंट MBBS के लिए ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो ये था टोटल सीट की बात। आप इससे ये बात को समझ सकते हैं कि हमारे पास कितने सीट हैं और इस बार के 2022 के इस बार एग्जामिनेशन में कट ऑफ को लेके मैंने बात कर लिया, परसेंटाइल को लेके मैंने बात कर लिया और सीट को लेके बात कर लिया। अगर आपको इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, भी एक सही सटीक तरीका होगा वो बता दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप पर्सनली कांटेक्ट मुझसे करना चाहते हैं तो मैं अपना एक व्हाट्सअप नंबर आपको देता हूं जिस पे आप व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं पार्टिकुलरली। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8409607130, जिस पे आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपने कन्फ्यूज़न के बारे में या कोई भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेंटर को आगे बढ़ाइए और अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स लोग, आपके नज़दीकी लोग भी इस वीडियो को देखें और समझ पाएँ कि आखिर उनको आगे क्या करना है। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।